हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन चिकन। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट चाहिए हमको। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे अमूल बटर, आधी पीसी अमूल बटर को मैं इसको पैन में डाल दूँगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक पूरा चिकन को काट लिया है छोटे छोटे पीसीज में, और 3 नींबू लिए हैं। यहाँ पर बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा चिकन, और इसको अच्छी तरह से हिला दूंगा। बटर को पूरा मेल्ट होने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बटर मेल्ट होने के बाद ब्लैक पड़ जाता है। और बटर के अंदर चिकन डालने के बाद मैं इसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और मैं इसको ढक्कन को हटाकर फिर से इसको मिक्स कर दूंगा। इस प्रोसेस को हमें 4 से 5 बार दोहराना है। इसको मिक्स कर कर अच्छी तरह से हिलाते रहना है, और फिर ढककर इसको पकाना है, फिर हिलाते रहना है। इस प्रोसेस को हम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। चिकन को मैंने 3 से 4 बार ही हिला दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा वाइटनेस आ चुका है। अब इस स्टेप पे हमें इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमें इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने अमूल बटर यूज़ किया है, तो उसके अंदर भी नमक होता है, तो मैं उस हिसाब से कम नमक डालूंगा। इसके अलावा काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ यहाँ पर, और 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ इसमें चाट मसाला। चाट मसाला इसको चटपटा टेस्ट देगा। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगा। अब इस चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है। अब इस स्टेप पे हम इसके अंदर डाल देंगे 3 नींबू का जूस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर अब इसे हम खुले में पकाएंगे, जब तक कि इसका पानी खत्म ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे, और इसे हम खाएंगे हरी पुदीने वाली चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। जरूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना था। धन्यवाद।